हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने जो है। है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बहुत शुक्रिया सर क्या आज आपने ज्वाइन किया और थैंक यू सो मच माय प्लेजर माइ सबसे पहले तो आज प्रोग्राम शुरू करने से मैं दस खबरें जिनको आई टच करूंगा जो पाकिस्तान mm -hmm. के हालात से बड़ी सख्त रिलेटेड है uh, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्राइसिस सियासी और फाइनेंशियल क्राइसिस सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है उसके हवाले से जो दस मेन चीजें मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो चल रही है उनको मैं सामने रखता हूँ फिर उस पर बात करते हैं एक तो सबसे पहली खबर ये है कि अमेरिकन नए जो एम्बेसडर साहब आए हैं डोनाल्ड ब्रूम उनको प्रेजिडेंट अलवी साहब उनको टाइम नहीं दे रहे इंटेंशनली ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट आके दे सके जो कि मेरे ख्याल में गलत बात है इसमें पाकिस्तान का वकार जो है वो मजरूर हो रहा है दूसरी जो बात हो वो ये है कि चार अफराद जो हैं वो अब पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं चार अफराद कौन से हैं एक मूनस अलाही साहब हैं नैब के पुराने चेयरमैन हैं आपडा के चेयरमैन हैं और खातून अव्वल हैं जो के एक्स एक्स खातून अवल ये चार अपने केसेस या चीजों की वजह से मुलक से निकलने के लिए चीजें निगोशिएट की जा रही है इनके लिए तीसरी खबर जो ये है कि वो बुजदार साहब जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है उनके खिलाफ जमीन इलीगल इलीगली हथियाने का केस जो है वो बन चुका है उनका उनके आसपास जो उनके मुआवनीन थे उनको उनके उनके ऊपर जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए तैयारी की जा रही है आ, उसके बाद अगली खबर जो है पता नहीं है झूठी है सच्ची है कहते परवेज लाई साहब ने एक बाईस साल खातून से शादी नी कर दी बहुत बड़ी खबर चल रही है बिल्कुल है <laughs> उससे अगली खबर आई एम एफ रिलेटेड है इस्माइल साहब जो है उन्होंने खबर दे दी है कि एक दो दिन में आई एम एफ का प्रोग्राम चल निकलने वाला है उसके बाद जो सातवीं खबर है वो फैटफ के हवाले से है फैटफ जो है उसकी उसके इन्होंने सब लोगों ने क्रेडिट में एक दूसरे के साथ धक्म फेल शुरू कर दी लेकिन वो अब अक्तूबर तक मेरे ख्याल में वो डिले रहेगा उनकी टीम आएगी इन पर्सन वो सारा कुछ देखेंगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आठवीं खबर जो गर्दश कर रही है वो ये है कि इसराइल के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप गया है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मांडीवाला साहब जो पीपल्स पार्टी है उनकी भी उनकी भी स्टेटमेंट आई और उस उसमे भी मैं, मैं, खुद भी बोलना चाहूंगा कुछ उसके बारे में खबर जो है वो ये है कि बिलावल भट्टो साहब ने ईरान का दौरा किया और उन्होंने वापस आके एक जगह पे अपनी तकरीर में कहा है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को अप्रूव करना चाहिए और भारत के साथ डायलॉग शुरू करना चाहिए और दसवीं खबर जो है वो ये है कि कराची के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें टीएलपी ने बहुत ज्यादा वोट हासिल किए हैं जो कि मेरे ख्याल में इस फॉर पाकिस्तान बिल्कुल सर और... ये कुछ नहीं है लेकिन सर एक खबर ये भी है कि सदर अलवी साहब जो है वो नैब के चेयरमैन और दूसरे जो अमेंडमेंट बिल जो उन्हें दिया गया है कि तरमीमी बिल उस पे साइन नहीं कर रहे हैं हम वो भी होल्ड करके बैठे हैं जिसमें खास कर ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला था आ, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसके बारे में भी और इस तरह के जो थे बिल उनके बारे में उन्होंने अपना रोक बैठे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है अब मैं जो जिन चीजों में बात करना चाह रहा था इन डिटेल के साथ वो बिलखसूस ये है आईएमएफ के हवाले से कि देखें इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम कहते हैं जी कि वो आने वाला है और उससे एक पाकिस्तान में नई जान पड़ जाएगी तो मेरे ख्याल में ये कोई पहला प्रोग्राम थोड़ी है आर्जू ये तो इक्कीसवा प्रोग्राम है बाईसवा प्रोग्राम है आई का बल्कि ये जिस दिन पैसे पहुंचते जाएंगे फॉरन दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां हमारे है, जो है उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर लाना मसला नहीं है डॉलर रोकना प्रॉब्लम है और इस वक्त किसी पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया कि आपका डॉलर तो मेरा ख्याल आज जो बार ओपन मार्केट में दो का बिका है मेरे दो सौ का बिका है लेकिन कभी किसी ने हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ किया जाता है कभी किसी ने बताया एक डॉलर के कितने रुपए भारत के हैं बल्कि अफसोस की बात है कि कभी किसी ने बताया बांग्लादेश के टके कितने हैं डॉलर तो फिर तो शर्म तुमको हमको मगर नहीं आती नहीं। तो जरा उस पर कभी इन्होंने कभी इसको बात यहां तक कि अब सुना अफगानी करेंसी भी जो है वो भी डॉलर के कंपेरिटिवली स्टैंड हो चुकी है स्ट्रोंग हो चुकी है और उसका भी जो है वो कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी रुपए से तो वो आ, बिल्कुल आ, वो भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आ, आज तक जो मैं आ, कल खर खास साहब ने स्पीच दी है उन्होंने फिर वही कट एंड पेस अपनी पुरानी स्पीचेस का वो जोड़ा उन्होंने लेकिन थोड़ी सी उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट लगी उन्होंने क्रेडिट दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी देने की कोशिश की फिर उन्होंने बार बार कहा जी कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को बार बार वार्न किया था कि मुझे निकाला तो अकानमी गिर जाएगी तो अगर पूछा जाए तो आपने कौन सा इकानमी को कंधा दिया हुआ था आपने तीन फा, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए थे अपने दौर में और आपके शौकत तरीन साहब ने खुद फरमाया था कि आपकी कोई फाइनेंस पॉलिसी नहीं थी किसी किस्म की तो खान साहब का सबसे बड़ा इशू यह है कि वो अपनी किसी भी गलती को तस्लीम नहीं करते जो कि मेरी नजर में मैंने अमेरिका में आके सीखा अपने बिजनेस के अंदर कि जब तक आप किसी चीज का एडमिशन नहीं करते एडमिट नहीं करते उसमें इसलाह नहीं हो सकती तो खास साहब को यही नहीं पता शुरू एडमिशन से होती है एडमिट करें कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा लेकिन खां साहब समझते हैं कि वो गलती प्रूफ है वो गलती कर ही नहीं सकते वो मजहबी पेशा है वो सियासी लीडर तो नहीं है वो तो उन्होंने तो नया एक मजहबी सेट शुरू कर दिया है जिसके बारे में देखे मैंने अगले दिन सख्त अफसोस हुआ मुझे कि रावल पिंडी में रावल पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पे पीटीआई के कारकुन ने क्वेश्चन किया तो खान साहब ने उसका बुरा मनाया तो खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन खास साहब वहां से निकलते गए तो इनके जो कारकुनान है पीटीआई के उन्होंने बड़ा बड़े बुरे तरीके से उनको किया, उन्हें मारा गया तो मेरा मकसद जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि कोई तनकीद खास साहब को वैसे भी पसंद नहीं है उनके जो बच्चे है कारकुनान है उनको भी ऐसी तरबियत दे दी गई है कि हमारे मजहबी पेशवा के खिलाफ आप कोई भी क्वेस्ट कर सकते और वो गलती नहीं कर सकता वो तो फरिश्ता है रिश्ता बन के आया है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए तो अब देखे आने वाले दिनों में क्या बनता है लेकिन इस वक्त आरजू पाकिस्तान इज लीडरलेस पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं है आ, मेरे वहां होते हुए लाहौर में दो पंजाब असम्बली के दो इजलास हुए आ, एक असम्बली में हुआ एक बाहर हुआ तो ये एक नई मिसालें और नई चीजें बन रही हैं और दुनिया देख रही है दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये देखें पाकिस्तान किस फ्री फाल पे चल रहा है कभी आपने सुना है कि किसी पंजाब किसी पाकिस्तान का एक सूबा, एक अमीर तरीन सूबा उसके उसका पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर कौन है स्पीकर कौन है उसका गवर्नर कौन है ल, रिट एंड लॉ एंड रिट रेट ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं भी बिल्कुल भी अफसोस के साथ तो सर इनको ये भी तो ये कहते जा रहे हैं लोगों से कभी कहते हैं चाय मत पीजिए कभी कहते हैं कि चार भाई एक ही रोटी खा लें इस किस्म की बातें भी तो होती जा रही है लेकिन साथ साथ सर एक चीज़ और इससे हटके भी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि सलीम साफ़ी साहब जो कि जियो टी पे शो करते हैं उन्होंने राव अनुर को बुला के बात की है आपके ख्याल से इस तरह से कभी एहसान उल्लाहसान और कभी राव अनु जैसे लोगों को स्पेस देनी चाहिए टीवी चैनल्स पे नहीं मेरे ख्याल में तो राव साहब की पर्सनैलिटी इसमें कोई शक नहीं है आ, लेकिन ये देखे वो एक सहाफी है उन्हें खबर चाहिए उन्होंने उस हवाले से वहां उसको किया क्योंकि उनका वो राव इन्वार का नाम राखता होगा इसीलिए शायद किया उन्होंने रेटिंग चेक की होगी इसी वजह से किया लेकिन अः उनके राव इन के बारे में कई क्वेश्चन मार्क है इसमें कोई शक नहीं उजैर बलोच, बलोच एक दूसरी पर्सनैलिटी है इस तरह के कई लोग सिंध के अंदर जिनके कंट्रोवर्सी है मेरे ख्याल में जो साफी हैं उनको एहतियात करनी चाहिए uh, मैंने सुना है उनके कुछ चीज़ें सुनी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैंने सुना लेकिन राव इनवार के uh, उनके ऊपर कई एलिगेशन हैं हम ना शोर के अब कोर्ट क्या कहती है कहाँ तक उनके वो जो जराइम या इल्ज़ाम हैं उन पर वो साबित हुए या नहीं हुए आ, uh, लेकिन सलीम साफी इज 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 अ रिमार्केबल काफी क्वाइट इंप्रेस्ड बाय हिज प्रोग्राम अब लेकिन दे ये ये라운 वार के बारे में तो वाकई मैंने भी इस एंगल से नहीं सोचा कि उनको नहीं करना चाहिए था लेकिन ये देखें कि वो वो साफी या सहाफत के हवाले से हो सकता है उन पे उन्होंने देखा हो कि इट विल बी गुड फॉर द फॉर द फॉर द शो और चैनल लेकिन काफी लोग कर उन पे اعتراض भी कर रहे हैं लेकिन सर साथ-साथ अब जो इस वक्त गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की आ, वो जैसे आपने कई लोगों का बताया भी कि वो मुल्क से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं चार लोग और इस बाकी चीजें भी तो किस तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं वैसे आईएमएफ से कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा अगर पैसा इन्होंने रोक लिया देखिये आईएमएफ से पैसे मिलेंगे इसमें इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि अब इन्होंने पूरा जोर लगाया है फैट की भी सारी चीजें चौतीस के चौतीस चौन्ति, चौंतीस शराय इन्होंने मान ली है आई की भी सारी शराय आलमोस्ट इन्होंने मान ली है वहां से कोई रिलीफ आने की उम्मीद तो है लेकिन देखें उस रिलीफ को वो कॉमन आदमी तक पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी सवाल ये है इस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोल की प्राइस चाहे पांच सौ रुपए फी लीटर चले जाए लेकिन वी एट गाड़ियां जो है वो देखें इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं रुकी आप इस्लामाबाद के किसी रेस्टोरेंट में चले जाए वीकेंड पर कोई जगह खाली नहीं मिलती आपको जो एक रूलिंग अलीट है उसके माथे में बल नहीं है कि उनके पास करप्शन का इतना ज्यादा पैसा मौजूद है और उनकी इनकम मैंने आपको बताया था कि डॉलर्स और पाउंड में है उनके सेहत पे कोई असर नहीं है आपका एक जो रूलिंग अलीट है उनके बच्चे भी बाहर हैं उनकी बीवियों की फॉरेन सिटीजनशिप है और उनके प्रोजेक्ट भी ज्यादातर जो है वो डॉलर्स पाउंड पे है और उन पे, उन पे पे कोई असर नहीं है वो और उनको पता ही नहीं है जिस तरह वो पहले बताते हैं ना कि इस तरह के कई पहले बन चुकी है चीजें कि ना उन्हें पता होता है दाल और आटे के भाव के नहीं पता होता कि सड़क पे क्या बिक रहा है क्या हो रहा है उनको उनके सेहत पे कोई असर नहीं है आ, वरना आ, देखा जाए तो इस वक्त 25 तीस हजार एवरेज आ, जो सैलरी है वो भी है, अभी मिनिमम इंक्रीज करने के बाद तो जरा बजट देखें को रहा इस वक्त दो वक्त दो वक्त का खाना खाना लग्जरी है इस वक्त आरजू पाकिस्तान के अंदर लेकिन आ, रूलिंग लीड जो लाहौर कराची की और इस्लामाबाद के शहरों में देखें तो पार्टियां भी वैसे ही हो रही हैं और रेस्टोरेंट भी वैसे ही बिजी हैं लग्जरी आइटम भी वैसे ही बिक रहे हैं टैक्सेस जो है वो नए बजट के अंदर वो भी गरीबों पे लगाए गए हैं क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद खरब पति हैं उन्होंने बिल्कुल अपने तबके को डिफेंड किया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबको लेकिन ये कि जो करंट गवर्नमेंट है वो एक तो वीक नज़र आती है उसके डिसीजन जो है वो वीक नजर आते हैं और खासाब उनको उनको सिर्फ हुकूमत को ही नहीं पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं अदलिया और इस्टेबलिशमेंट बिल्कुल कोनों में छुप के बैठ के ये मुंह दूसरी तरफ करके तो उसका भरपूर फायदा जो है वो तो खासा भी उठा रहे हैं अब देखें किस हद तक जाते हैं वो देखने वाली बात है जो उन्होंने काल देने की कोशिश कर रहे हैं जुलाई में जुलाई में सख्त गर्मी होगी और आहिस्ता आहिस्ता इनके गुब्बारे से हवा भी निकलती जा रही है स्कैंडल भी बाहर आ रहे हैं मुसलसल देखें कि अब ये कितना सर सस्टेन कर पाएंगे वैसे भी मेरे अंदाजे में मेरी अपनी असेसमेंट में इनके फैन में ज्यादा ट्विटर है है वोटर कम है। लेकिन सर अभी इस बार तो खरे बाहर भी नहीं निकले उन्होंने अपने बनी गाला से ही खिताब किया था मगर साथ अगर हम देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए वो तो बाजवा साहब ने भी इस किस्म की बात की थी कि ताल्लुका बेहतर होने चाहिए कुछ कर पाएंगे ये लोग या आपको लग रहा है कि बस अब अगले साल इलेक्शन में ही जाके फिर ही कुछ होगा इलेक्शन के बाद या उससे पहले भारत और दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर होंगे देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल तो मिला है और इन्होंने भी वहां पे अपना ट्रेड मिनिस्टर जो है भेजा है बेबी स्टेप्स तो इन्होंने लिए है ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इस पे अमल नहीं शुरू किया लेकिन दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर का ए, 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 एक एक, है इनको चाहिए कि स्टेप्स इस तरह के बेबी स्टेप्स मजीद लें बजाय कि आप रिजीम चेंज या नई गवर्नमेंट आने का इंतजार करें टाइम वेस्ट ना करें कोई डायलॉग हमेशा विंडो ओपन रखनी चाहिए Uh, और उसमें रिगार्डलेस uh, मैं पहले हमेशा ये कहता हूं आप हर चीज चेंज कर सकते हैं तब्दील कर सकते हैं अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते सो वी वी हैव हैव टू 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 स्टार्ट लर्निंग हाउ लिव पीसफुली विद नेबर्स ये बहुत जरूरी है और आप यकीन करें अकॉनमी तभी ग्रो करती है जब वहां पे अमन का अमन का दौर हो वहां पे जंगे ना हो दहशत गर्दी ना हो और एक दूसरे का जो ट्रस्ट है फैक्टर वो हो सॉफ्ट बॉर्डर हो इस वक्त आपकी महंगाई की सबसे ज्यादा एक वजह यह भी है कि आपने भारत से ट्रेड बंद कर रखा है दालें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से पहले सब्जी और दालें इस तरह की चीजें सारी भारत से आ रही थी तो ट्रेड एक जरूरत है आपकी मुआशी जरूरत है आप इस पर तो दें बल्कि मैं चाहता हूँ कि भारत के साथ जरूरत है हमारी और उसको करना चाहिए लाजमी आप अपने पड़ोस में जो है हालात नॉर्मलाइज करने चाहिए जिस तरह के भी हो, लेकिन डायलॉग विंडो बंद नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल तो सर एफ ने तो कहा है कि अक्टूबर में वो आएंगे पाकिस्तान उनकी टीम आएगी चेक करेगी उसके बाद बताएंगे तो ये मुबारकबादियां किस बात की चल रही थी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब हर किसी को दे रहे थे इमरान खान भी दे रहे थे वो इमरान खान खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में थे नून लीग वाले कह रहे हमने और दूसरा यहाँ तक कि आई आ, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने भी उसके बारे में लेकिन मेरी नजर में मैं क्रेडिट स्टैब्लिशमेंट को दूंगा उन्होंने सीरियस लिया इसको वरना ये दूसरे तो हाइब्रिड सिस्टम वाले खुद लौडे लपाड़े इन्होंने क्या करना था ये तो बेचारे खुद कोई, कोई अच्छे मैनेजर नहीं थे अब मैं दूसरा ये कहूंगा कि उनका दौरा जो होना है यहाँ पे उन्होंने चीजें देखनी है ऑन ग्राउंड क्या है तो जो मेरी स्टडी है उस हिसाब से उन्होंने नैब को विजिट करना है एफ को देखना है एजेंसियों को देखेंगे और उसके बाद स्टेट बैंक के गवर्नर को मिलेंगे तो ये सारी चीजों में मैं, मुझे जिस तरह के आपको पता है हमारे पाकिस्तान किस तरीके से बुरे तरीके से मिस मैनेज है गर्स का इशू है अब दुआई की जा सकती है कि अल्लाह करे कि उनका दौरा कामयाब रहे वरना हमारे तो यहाँ जो लोग हैं ऑफिस में आपको पता ही है जो हालात है आपके कि जिस तरीके से मैनेज की जाती है चीजें आ, लेकिन ये कि मेरा है अक्टूबर तक जो है we have to, uh, keep the fingers crossed के उनका दौरा ठीक चले आ, वरना हो सकता है पता नहीं अक्टूबर तो काफी दूर है और पता नहीं उस वक्त तक इमरान खान साहब जो एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में माचिस लेके फिर रहे हैं पता नहीं उन्होंने क्या क्या जला देना है स्टेट बैंक की बिल्डिंग होगी भी या नहीं होगी तब तक ये जब इनके अराजे हैं खान साहब के

सीनियरिटी uh, के बेस पे जो चीजें काफी मेरिट पे डिसाइड होंगी मेरे ख्याल में दिस इज हाउ दिस इज व्हाट माय दिस इज व्हाट आई स्टोर्ड टोल्ड मेरे ख्याल में और सर यहाँ पे जो ये इनके जो सदर जो अलवी साहब है वो काफी कंफ्यूज नजर आते हैं ऐसा लगता है वो काम कर भी रहे हैं और वो काम करना नहीं भी चाह रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ क्योंकि आरिफ अलवी साहब जाहिर है कि इमरान खान के साथ ही रहे है हमेशा से तो उनकी तरफ से जैसे आपने कहा भी कि कभी पेपर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी के किसी को बुला नहीं रहे इसी तरीके से उन्होंने कई बिल भी जो है बगैर साइन के भेज दिए बार बार भेजे गए बल्कि तो किस तरफ को जा रहे हैं ये क्या करना चाहते हैं आरजू मैं मेरी नजर में मुझे अफसोस होता है कि इनको फंडामेंटल्स अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं पता स्पीकर साहब जो असेंबली होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं बाय होते हैं और सदर भी बाय होते हैं उन्होंने दोनों पार्टीज का ले, लेकिन ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि स्पीकर साहब ने भी साइड ली अपनी पार्टी की वफादारियां एक इंसान के साथ और सदर साहब भी अपनी मॉरल uh, अपनी uh, uh, इखलाक की जिम्मेदारी समझते हैं कि वो सिर्फ uh, खास साहब से uh, अपने जो है वो इंस्ट्रक्शन लें हालांकि जो है उनका वो है। सदरे है, आप सदर पी टी आई नहीं है आप लेकिन अफसोस के साथ जिस तरह मैं कहता हूं कि के अंदर अगर देखा जाए तो खान साहब ने बहुत कई कॉन्स्टिट्यूशनल की है ये एक सियासी स्टेप था आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये उनका आईनी हक था आप आईनी तरीके से आपको निकाला जा रहा था लेकिन आप जिस तरीके से चिमटे रहे वजीर आजम हाउस को और जिस तरीके से आपने दूसरे हथकंडे इस तरह के इधर उधर के इस्तेमाल किए उससे आपने अपना अपना कद काट भी छोटा किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम भी किया और उसी तरीके से सदर अलवी साहब भी कर रहे हैं और इसी तरीके से जब दूसरे कासम सूरी साहब और दूसरे लोग करके गए हैं जिस तरह की स्टेटमेंट ने छोड़ कर गए हैं वो दुनिया देखेगी हालांकि इनको पता नहीं है कि स्पीकरशिप जो होती है वेरी न्यूट्रल होती है दोनों पार्टियों को उन्होंने सर्व हाउस को करना होता है सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान को सर्व करना होता है लेकिन वो कहते हैं इनको कौन समझाए फिर ये तो कोई इनको इनकी समझने वाली एज ही नहीं है क्या किया जाए जो खान साहब है वो सत्तर साल से ज्यादा उनकी एज है मेरे ख्याल सत्तर के नहीं होंगे तो पैंसठ के होंगे तो मेरा मसला लेकिन ये कि अख्लाकियात के जनाजे निकालते हैं डेली बेसिस पे और पाकिस्तान अफसोस जो मुझे सबसे ज्यादा आर्जू होता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ किसी की कोई हमदर्दियाँ नहीं है किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि आगे इसको किस तरह लेके चलना है डॉलर को किस तरह रोकना है एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है इम्पोर्ट को कैसे रोकना है कोई किसी के पास कोई रोड मैप आज तक किसी ने तकरीर में अपनी में ये नहीं कहा कि जी मैं आया वा, अगर वापस आया तो मैं पाकिस्तान को इस तरह इस तरह तरक्की करेंगे खान साहब के पास सिर्फ और सिर्फ नफरतों और डिवीजन और इसके बारे इसके अलावा और मजबी टच के अलावा कुछ भी नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर साथ साथ तो परवेज इलाही साहब वाली खबर भी बिल्कुल ठीक है अभी तक हमने तो यही सुना है कि उन्होंने इस तरह से शादी की है लेकिन जो चार लोग आप कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं उसमें जो है वो खातून है यानी खातून है अव्वल जो है वो भी शामिल है क्या वजह हो सकती है करप्शन केसेज या किस चीज से डर के भाग रहे हैं देखिये करप्शन के केसेस की के वजह से जाहिर है वो कौन से उनकी सेहत खराब है जो उन्हें इलाज कराने जाना है वो तो बिल्कुल सेहतमंद है वो ठीक ठाक है लेकिन देखें ना अगले दिन राणा सरावला मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी है खासकर इस वक्त राणा सरावला साहब के हवाले से उनकी इंस्ट्रक्शन है नायब को कि किसी को उस वक्त तक आपने अरेस्ट नहीं करना जब तक आपके पास शवाहिद मौजूद ना हो देखे ना उनके ऊपर जब उनके ऊपर हीरोइन का केस डाला गया था तो हमारे एक बार रेश मिनिस्टर जो थे असेंबली में बार बार ये कहते थे अल्लाह को जान देनी है मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा हमारे पास वीडियो मौजूद है आज तक वो वीडियो नहीं आई खास इस वक्त राना सनाउला और इस गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक शवाहिद मौजूद नहीं होंगे लेकिन उन्होंने शवाहिद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख दिए थे कि किस तरीके से अलकादर ट्रस्ट अल जो है जिसके सिर्फ तीस पैंतीस स्टूडेंट है और वहां पर बहुत बड़ा टोपी ड्रामा रचाया गया है इतनी ज्यादा जमीन पर कब्जा किया ली ली गई है और किस तरीके से उस ट्रस्ट के ऊपर खासाहब और फर्स्ट लेडी है और फिर शवाहिद मौजूद हैं कि फरा गोगी किस तरीके से फ्रंटमैन फ्रंट, फ्रंट वूमेन बनी रही है वो सारी चीजें मौजूद है उसी से डर लग रहा है इनको कि उनकी गिरफ्तारी के दिन करीब आ रहे हैं और नगोशिएट हो रही है चीजें उसमें वाबडा के, उस के चेयरमैन है उनके बारे में भी है नैब के जो पिछले थे जस्टिस उनके बारे में भी और मूना सलाई साहब देखें कि खास साहब ने वजारत दी थी काफलीग को एक चीमा साहब की और दूसरी दो वजारतों का वादा था लेकिन दूसरी सिर्फ इसलिए नहीं देते थे कि मोना सलाई साहब के खिलाफ काफी नैब में केसेस थे लेकिन आखिर में किस तरीके से उन्होंने उनको भी वजारत दी और बल्कि देखें खास साहब दुनिया को कह देते हैं मुझे मुझे सियासत में आने की क्या जरूरत थी मुझे तो खुदा ने सब कुछ दिया हुआ था मैं तो मैन ऑन द प्लान मैं तो देखें तो मैं क्यों आया हूँ तो देखें किस तरीके से खड़े अपने अपने इकतदार को तूल देने के लिए किन किन लोगों को कदमों में खास साहब नहीं गिरे जाके मून सलाई साहब की वजारत एक खास मिसाल है कि खास साहब ने अपने सारे असूल जो है वो छोड़ के मून सलाई साहब को मिनिस्टर बनाया हालांकि उनके ऊपर केस लैब के अभी भी मौजूद है पहले भी मौजूद थे जिस किस तरीके से गला फाड़ फाड़ के ये कहते हैं कि मुजरम ये मुलजम है सारे अपने केस बचाने हैं तो मूना सलाई साहब के ऊपर केसेस थे आपने उन्हें क्यों वजीर बनाया लेकिन लेकिन, लेकिन एक बात है खूबसूरती के साथ मैं ये समझता हूँ शायद उनकी क्रिसमेटिक पर्सनैलिटी है या लोगों को क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक है खास साहब सुबह एक झूठ बोले वो भी बिकता है शाम को दूसरा झूठ बोले वो भी बिकता है अब वैसे ये बात तो है सर कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा खान साहब को सपोर्ट कर रहे होते हैं बड़ी हैरत होती है लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आप जैसे आप खुद भी अमेरिका में हैं और आ, अभी एक दो दिन पहले जो है वो फैसल जावेद खान जो सेनेटर हैं इमरान खान साहब की पार्टी के उन्होंने फिर कहा कि जी मदाखलत हुई है बड़ा उनका क्लिप चल रहा है बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक भाषण दिया मदाखलत पे आपको लगता है वाकई कोई मदाखलत हुई है उन्होंने सिर्फ मदाखलत नहीं की ये सारे लोग करते हैं, से उन्होंने बजट की कापी भी फाड़ी उस में और रोने की भी कोशिश की उन्होंने, उन्होंने। मैं, मैं बैठ के आपको बताता हूं कि मुझे छत्तीस साल हो गया अमेरिका में मैं दो चीजें बताना चाहूंगा दो तीन स्टेप्स है आप खुद आप फिर आप देखने वाले उस पर डिसीजन करते हैं साजिश थी या मदाखलत थी एम बी एस मोहम्मद बिन सुल्तान इस वक्त बाइडन का फोन नहीं उठा रहा नॉर्थ कोरिया हर अपना नया दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा खां हाँ साहब ने साढ़े तीन साल में कौन सा ऐसा काम किया जिससे अमेरिका नाराज हो सी पैक आपने बंद कर दिया आपकी एयर स्पेस आज भी अमेरिका यूज कर रहा है तो आपसे क्यों नाराज थे भाई वो रूस आप कहते हैं मैं रूस चला गया तो भारत ले रहा है रूस से तेल तो और ले रहे आप पॉपुलैरिटी आप, लूज कर रहे थे आपको एक ड्रामा चाहिए था आपने बड़ा अच्छा ड्रामा पकड़ लिया क्योंकि आपको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन जज्बात है और दूसरा अमल बिन मारूफ आपने पकड़ दिया अगली बात यह है कि लोगों को बुला के दम भी किया करें और तावीज भी दिया करें इससे काम आपका और चलेगा ज्यादा मैं गारंटी कर देता तो। हूँ वो पहले हमारे हैं ना मौलवी स्पीकर में दम करते हैं कई खान हाँ साहब देख लेना अगले स्टेप यही होंगे कि दम किया करें यहां तक तो, तो ले आए कहते हैं ये सियासत नहीं तबलीग है लोगों को घरों में जाओ बताओ ला 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 का मतलब क्या है ये फूकी हाँ बात है। देखे ना मतलब जी तो मतलब ये, अब ये लोगों को समझाएंगे कि इसका क्या मतलब था ये हर जगह मजहब को क्यों ले आते हैं मैं कहता हूँ ये कल कह दें कि रूस भी इन्वाल्व था कोई एक दूसरी जेब से लेटर निकाल ले वो भी बिकेगा चाइना का लेटर निकाल ले वो भी बिकेगा उसकी वजह ये है कि कौम को बेवकूफ बना रखा है मुझे किसी ने पूछा यार कि ये वजह क्या है लोग इकट्ठे हो जाते हैं मैंने कहा यार दूसरी पार्टियां जो है ना उनका एक 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 एक, एक अपने प्रिंसिपल है खास साहब ने दोनों डीजे बट के नाथ डीजे बट भी है भी है और साथ अमल बिर मारू भी है इन्होंने तीन चार चीजें इकट्ठी कर दी है लोग आके डेट भी मार लेते हैं वहां पे लोग याशी भी कर लेते हैं और जाती दफा अमल बिर मारू वो समझते शायद एक कर रहे हैं तीन चार चीजें इकट्ठी कर दी उन्होंने तो वो बिकरा है उनका सारा कुछ वरना आप बताया ना मुझे सारे ट्विटर आते खास साहब को मेरी एडवाइस ये है ये इलेक्शन बैलेट के साथ होना ट्वीट पे नहीं होना आपने अगले ते, तेरा सो साठ लोगों को पच्चीस पच्चीस हजार रुपए पे पिशावर सुबह में मुलाजम रख लिया है जो आगे रीट्वीट करेंगे या इनके साथ आगे जो इनका इनका चूरण बेचेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं ये वोटर नहीं है वोटर वो है जो इस वक्त जलील हो रहे हैं घरों में जो ज, जो घर का चलाने वाले हैं वोटर वो है वो वो

जो नॉन uh, इलेक्टेड जिनके पास कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक कोई नहीं है हल्के ही कोई नहीं है आपके तो आपको आपके ऊपर सबसे बड़ा गिला भी तो यही था लोगों को कि आप ना अपने MPS और MNS को मिलते थे और मुलक की चाबियां आपने पकड़ा दी थी सारे फॉरन नेशनल अनिलेक्टेड बच्चों को यही गिला था सबको भाजपा साहब ने बिल्कुल कैरिजन में जाके यही बताया था कि ये एम एन एम को मिलना छोड़ गए थे ये तो देखिये साहब तो नहीं है मजबी पेश हुआ है मिसमराइज करते हैं खान साहब एक मजिशन है जादूगर है सियासतदान नहीं है सियासत वरना देखे आरजू मैं आप आखिरी बात ये बताना चाहूंगा mm -hmm. अमेरिका में मुझे एक सीनियर स्या, सियासतदान ने कहा था कि सियासत जमहूरियत ये एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है दोस्तियां प्यार हम्बलैस बढ़ाने का बिजनेस है आप सारा दिन इख्तलाफ करते हैं विदन बाउंड्री लाइन लेकिन शाम को आप इकट्ठे बैठते हैं कुछ देते हैं कुछ लेते हैं कंप्रोमाइज है, करते हैं खान साहब ने आज तक किया किसी चीज पे कम्प्रोमाइज़ खान साहब का तो यही लगता है कि हर चीज अपनी कुर्सी के, ही है आप बस। और के अंदर वो कह रही थी, थी उनको अगर पंद्रह साल दे दिए जाते तो फिर वो कुछ कर पाते ठीक है तो पंद्रह साल पंद्रह साल दे देते तो पाकिस्तान तो बचेगा नहीं पंद्रह मेरे ख्याल में पंद्रह महीने नहीं बचना इन्होंने साढ़े तीन साल चार साल में निकल गए पिछले पंद्रह महीने जो चलना नहीं था काम आप पंद्रह साल की बात करते हैं पंदरा में, पंदरा में, पंदरा में, पंदरा में में खत्म कर देंगे ती, पहले तीन कहते रहे अब उन्नीस कहते हैं उन्नीस करेंगे टुकड़े तीन सौ उन्नीस पे आगे स्टेटमेंट इसी तरह की होती है बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया और जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत शुक्रिया थैंक यू